यहाँ पर हम लोग है ना टोटल करेंगे आज। यहाँ पे पहले तो ये कर लेंगे कि क्वांटिटी के हिसाब से ये प्राइस इनटू होना चाहिए। जैसे 120 नहीं दिखकर यहाँ पे दिखना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे दिखना चाहिए। 120 गुना 4 बराबर इतना रुपया, ऐसा दिखना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा चेंजेस करते हैं अपने ऑर्डर कंटेनर में। ऑर्डर कंटेनर में नहीं, ऑर्डर कार्ड के अंदर। देखो ऑर्डर कार्ड के अंदर, ऑर्डर कार्ड में ये जो प्राइस दिखा रहे हैं वो यहाँ पर है। देखो ये यहाँ पे है। इसको ऐसे नहीं करके हम ऐसे करेंगे, एक्स का निशान और यहाँ क्वांटिटी, ठीक है। तो ऑर्डर डॉट क्यू टी वाई और इजिकल टू और यहाँ कर्ली ब्रैकेट और ऑर्डर डॉट क्यू टी वाई इन टू ऑर्डर डॉट रेसिपी आई डी डॉट रेसिपी प्राइस। वेट करो रिफ्रेश का और देखो यहाँ पे इस तरह से दिखेगा तो थोड़ा विजुअलाइज अच्छा से हो सकता है, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं गुना का वैल्यू क्या नहीं आ रहा है। आ गया, बट ये क्या प्रॉब्लम आया कि देखो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो ज़्यादा होने की वजह से ऐसा हुआ है। तो साइज़ में छोटा कर दो, एक्सेस एक्स्ट्रा स्मॉल दिखना ही तो चाहिए, इतना बड़ा दिखना है, ठीक है। छोटा सा दिखेगा तो ठीक लगेगा, ठीक लग रहा है। और जो आर एस का वैल्यू है ना, वो देने की जरूरत नहीं है, ऐसे चल सब चले तो उससे भी ये जगह थोड़ा बच जाएगा, राइट। और जो एक्स है ना, इसको स्मॉल एक्स कर देंगे और स्पेस हटा देंगे तो और जगह बचेगा। और जो लास्ट में जो स्लैश डैश लगा है उसको बैठा देंगे, हो गया। अब आर एस देना ही है तो यहाँ पे दे सकते हैं। अच्छा बाद में, चलो फाइनल हो गया यहाँ पे कि ऊपर में कैसे दिखाना है। तो क्वांटिटी इंक्रीज करने से हमको कोई खास दिक्कत नहीं है, जब जब इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू अमाउंट का बढ़ जाएगा, राइट। ठीक है, डायनेमिक हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पे टोटल करना चाहते हैं, तो ये और ये तीनों जोड़ना है, ठीक है ना। तो हम आ जाएंगे यहाँ पे कंटेनर के पास, यहाँ जो चल रहा है डेटा, और ये लूप चल रहा है। इसे हम जोड़ तो सकते ही हैं, लेकिन हम लोग क्वेरी जोड़ने का अलग बना सकते हैं। तो क्वेरी जोड़ने का बनाने का मतलब है ये कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे काउंट प्राइस या टोटल प्राइस, ठीक है। ऑर्डर डाटा, कुछ तो उपाय लगाना पड़ेगा, अवेट ऑर्डर मॉडल डॉट जोड़ने के लिए क्या लगाया जाए। रुको, मंगूस के वेबसाइट पे जाते हैं, मंगूस। यहाँ पे सम लगाते हैं, देखो सम के लिए क्या अवेलेबल। सेट इससे बेस्ट तो मेरे चैट जीपीटी रहेगा, उसे पूछ लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने से अच्छा है, हाउ टू टोटल ऑल प्रोडक्ट प्राइस इन मंगोज एग्रीगेट, लगता है ये पता है हमको, लेकिन एग्रीगेट जोड़ेंगे कैसे दिखते हैं। हाँ, ये ग्रुप बाय टोटल और ये सम डाल देना, चलो हो गया। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर सबको जोड़ना है एक्चुअली में। तो हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, एग्रीगेट, देखो ये फंक्शन है एग्रीगेट, ये लगाएंगे, सॉरी एग्रीगेट, और उसके बाद इसके अंदर में एक एरे पास कर देंगे, ठीक है। उसका कर्ली ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे एक ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप किसका, टोटल का। तो हम लोग यहाँ पे आईडी को नल कर देते हैं, ग्रुप का आईडी कोई नहीं होगा, और टोटल नाम का कॉलम बनाएंगे नया, और उसमें सम करेंगे किसको। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल कॉलम को सपोज कर सकते हैं, किसको करना है। तो यहाँ पर हम करना चाहते हैं पॉपुलेट भी लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि तो प्राइस तो वहाँ है। पर ये वाला तरीका देख लेते हैं, नहीं होगा तो हम लोग लूप से तो कर ही सकते हैं आराम से। रेसिपी आईडी, रेसिपी आईडी डॉट रेसिपी प्राइस, ये ट्राई किया जा सकता है। अब ये टोटल वेरिएबल है मेरे पास, इसको एक बार हम चला के देखते हैं यहाँ पर।
क्या होता है? एग्रीगेट इज नॉट अ फंक्शन, उल्टा करना पड़ेगा, पॉपुलेट पहले नहीं बाद में करना पड़ेगा। एग्रीगेट फंक्शन तो ठीक है लेकिन ये नहीं चाहिए, और यहाँ पे डॉट चलो तो हम सिंपल सा तरीका निकाल देते हैं, ये हटा देते हैं, ठीक है। जो अभी हमने ट्राई किया उसको बंद कर देते हैं। ये यहाँ पर जो लूप चल रहा है ना, ये लूप चल रहा है, इसको हम कर्ली ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे। कर्ली ब्रैकेट में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि हम लोग इसके अंदर रिटर्न लिखना पड़ेगा, राइट। तो रिटर्न के अंदर में ये डाल दोगे ऑर्डर आईडी, लेकिन रिटर्न से पहले हम कुछ लॉजिक यहाँ लिख सकते हैं। ये हटाना पड़ेगा क्या? दो हो गया, ठीक तो है। कर्ली ब्रैकेट यहाँ शुरू किया, यहाँ बंद किए, ये क्या है छोटी ब्रैकेट किसा है, एक कम होगा, हो गया। तो ये बेसिकली हम लोग यहाँ पर डाल दिया। अब रिटर्न से पहले यानी रिटर्न लाइन लिखने से पहले यहाँ लॉजिक लिख सकते हैं कुछ भी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बना देंगे, लेट टोटल प्राइस इज इक्वल टू जीरो, इस टाइप कर देते हैं। और हर बार टोटल को क्या करेंगे, टोटल प्राइस प्लस इक्वल टू, और मेरे पास लूप चल रहा है इसलिए मेरे पास सब कुछ डेटा है, तो रेसिपी आई डी डॉट रेसिपी प्राइस, जो मेरा कॉलम है सब कुछ टोटल में ऐड होते जाना चाहिए। और ठीक है, वो कर्ली ब्रैकेट वो, अच्छा यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम ऊपर कर लेते हैं, यहाँ कर लेंगे, यहाँ तो कर ही सकते हैं। तो मैंने यहाँ टोटल प्लस इक्वल टू कर दिया, देखो यहाँ वेरिएबल बनाया ब्लैंक, टोटल जीरो इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ पे उसको सबको जोड़ा, सम किया, और हम लोग के पास टोटल प्राइस होना चाहिए जो यहाँ प्रिंट हो रहा है। रिफ्रेश करेंगे, चेक करेंगे, देखो यहाँ पे टोटल प्राइस आ रहा है कितना, तो देखो टोटल प्राइस आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब टोटल प्राइस तो टोटल अमाउंट से आ रहा है, क्वान्टिटी से भी इंटू करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे इंटू लगाएंगे और लिखेंगे ऑर्डर डॉट क्यू टी वाई, तो अब क्वान्टिटी से गुना होकर वैल्यू आएगा। अब ये 225 मिलेगा, बहुत बड़ा अमाउंट आने की, रिफ्रेश, हाँ ठीक है। देखो तो 960, 100, 1060 और 55, ठीक है अमाउंट चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, ये माइनस 1060 है ना, ये अमाउंट आ रहा है। अब इसका क्या टैक्स वैल्यू निकालना, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, लेट टोटल टैक्स, इसको भी जीरो इनिशियलाइज कर देना है, ठीक है। और टोटल टैक्स किस निकालेंगे इसका, बहुत सिंपल है, टोटल टैक्स निर्मला सीतारमन टोटल प्राइस इंटू 0.18, निर्मला सीतारमन 18%, ठीक है। तो टोटल टैक्स 0.18 से या 18 इंटू बाय 100 कर देंगे, वही बात हुआ, तो हमने 0.18 लिख दिया। और ये टोटल टैक्स मेरा यहाँ पे देखेंगे टैक्स GST 18% रोने का समय, और ये हो गया, इसको बोलते हैं तरीका ट्रोल करने का, क्या देखो। अब ये टैक्स निर्मल सीतारमण का कुछ लंबा हो गया ज्यादा, तो वी नीड जावास्क्रिप्ट फंक्शन, जावास्क्रिप्ट के बाद बहुत फंक्शन हम लोग बना चुके हैं, मैथ डॉट राउंड याद होगा तुमको, राउंड फिगर करने के लिए, सिर्फ राउंड था, मैथ डॉट राउंड था, बहुत पुराना ही बात हो गई, एकदम सही थे हम, ठीक है। मैट डॉट राउंड, मैट डॉट ग्राउंड होता है, फ्लोर होता है, फ्लोर नीचे वाला का होता है, ठीक है, सील सीलिंग होता है ऊपर के लिए, अपर अपर बाउंड में आएगा, राउंड फिगर में अगर 5 से ऊपर हुआ तो ऊपर जाएगा, 5 से नीचे हुआ तो नीचे वाला वैल्यू ले लेगा, ऐसे रहते हुए आप लोग को जोर जार करना कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप दोनों को जोड़ लेना है यहाँ पे वेरिएबल, टोटल फाइनल वेरिएबल के लिए। तो ये क्या गलती की है, देखो ये रूपी का सिंबल रहने देता है, और यहाँ पे डाल देंगे ये, अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल प्राइस प्लस निर्मला सीतारमण टोटल टैक्स, और उसके बाद आपको खाने का इच्छा खत्म हो जाएगा, परफेक्ट। इसको भी राउंड फिगर में कर दो क्योंकि पॉइंट में आ रहा है, तो पॉइंट में पैसा कौन देता है, तो मैट डॉट
अब देखो यहाँ पे सी लिख रहे हैं, इससे क्या होगा, अपर वैल्यू आएगा, तो हम 1 रुपये ज्यादा ले सकते हैं, काम नहीं ले सकते, इसलिए हम यहाँ पे राउंड फिगर को ऊपर कर दिया, नीचे नहीं चाहिए। अरे भाई तो एकदम चंदा हो गया, 1251 टका। अब इसको फिक्स कर देते हैं इस एरिया को, ताकि ये एरिया मेरा वो रहे। तो फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बॉटम 0, ऐसे लिखने थोड़ी होगा, खाली पोजिशन फिक्स लिखना होगा, फिक्स यहाँ पूरा फैल जाएगा। इसका विथ दो, विथ तुमको स्टैटिक देना पड़ेगा, नहीं तो पिक्सल विक्सल देना पड़ेगा, 200 तो नहीं चलेगा, 300 जो हुकुम सरकार, 500, 400, वाह 450 जीत गया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि प्रोडक्ट ऐड करो नहीं करो, ये जगह खाली रहेगा। जैसे क्या पॉसिबल हो गया कि ये वाला ऊपर नीचे नहीं करेगा, फॉर एग्जांपल अगर हम पनीर रोल ऐड करते हैं और, तो 9 10 सब कुछ बदल रहा है, एवरीथिंग बिकम डायनेमिक राइट। और जो नया वाला मोमोज ऐड कर लेते हैं, तो जब हम आगे ऐड करने जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगा, यहाँ स्क्रॉल बन जाएगा राइट। ढोकला कितना अवेल बनाना है बोलो ना, आई एम रेडी विथ इट। तो हम लोग का लगभग लगभग चीज़ें यहाँ पे मस्त काम कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग को थोड़ा सा फीचर ऐड करना है, क्या यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा फिल्टर हो जाए और यहाँ से सर्च हो जाए, ये सब चाहते हैं और क्या, बाकी हम लोग का ओवरऑल फीचर लगभग कम्प्लीट है। ठीक है, परफेक्ट, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।